सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। शेष जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते 7 महीने व्यतीत हो गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अंग भंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति अस्तवन किया। वहाँ से आगे बढ़ने पर वह राजा सूरथ के मनोहर नगर में पहुँचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहाँ की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्य प्रति अस्वस्थ और तुलसी की पूजा करते थे। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहाँ के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहाँ जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था। झगड़े प्रसाद की चर्चा नहीं, उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता। कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहाँ के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलाव होता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी एवं महाबली राजा सूरथ निवास करते थे, जिनका चित्त श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मग्न रहता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सूरथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित
अश्वमेध का अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राजसभा में जा वहाँ बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामीन, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेध योग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुँचा है। महाराज, वह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़ लें। तब सूरथ बोले, हम सेवकों सहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चीर काल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पदार्पण करेंगे। शेफ जी कहते हैं, ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्म और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है जिससे श्री रामचंद्र की प्राप्ति संभव हो। अतः जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छा अनुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साले में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्सायन जी, आप एकाग्रचित होकर सुने। राजा सूरत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों के धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुषों का वहाँ सर्वथा अभाव था। जीहा में या जीहा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुँह से नहीं निकलती थी। वहाँ सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे।
उनके देश में पापिष्ट नहीं थे, किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे, सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सूरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सूरज से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ पाद आदि निवेदन किया। तत्पश्चात जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सूरत ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पापनाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि, आपके हंसने का क्या कारण है, कृपा करके बताइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपनी हंसने का उत्तम कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा कि मेरे सामने भगवान के कीर्तन का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ, भगवान है कौन, वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है। संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है, तथा कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने शव यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि प्राप्त हुई है। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए। इसलिए तुम भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो, इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सूरत का मन एकमात्र श्री रघुनाथ में लगा हुआ था, अतः मुनि के उपयुक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से क्षुब्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से
इस प्रकार बोले। ब्राह्मण धम या ब्राह्मण अधम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात न करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्म का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो तथा अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो। वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश से बांधकर लोहे के मुद्रों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूँगा। महाराज सूरत के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्ववंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुब्रत, मैं बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों न हो? तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले, तब तक मेरी मृत्यु न हो। आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यो कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहाँ से अदृश्य होकर वे अपने लोक चले गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रतापूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरयक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साहपूर्वक तैयार हो युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे।
इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को साथ ले इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर यह किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, राजन यह परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सूरथ निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज राजा सूरत के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से बिना युक्ति वचन कहा, बाली कुमार यहाँ से पास ही जो राजा सूरत का विशाल नगर है वहाँ दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजाने में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दे अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारे। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार की और राजसभा में गए। वहां उन्होंने राजा सूरथ को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जिह्वा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरधारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं। तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानर राज बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो? तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। यह सुनकर वानर राज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उस नरेश से बोले, नृपश्रेष्ठ मुझे बाली पुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक श्री शत्रुघ्न के पास चलो और उनके चरणों में पड़कर अपने राज्य और पुत्रों सहित वह अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओ।
तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा। अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दे तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन धान्य तथा प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी यह धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीत कर कैद कर लूँगा। अंगद बोले, राजन, जिन्होंने मानधाता के शत्रु लवड़ नामक दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान बैरी परास्त हुए हैं तथा जिन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए बेदुनमाली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हें वीर शिरोमणि श्री शत्रुघ्न को तुम कैसे कैद करोगे? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कर, जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधानगण वीरभद्र के छक्के छुड़ा दिए थे, श्री शत्रुघ्न का भतीजा है। श्री रघुनाथ के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित द्रोण पर्वत को अपनी पूछ के अग्रभाग में लपेट कर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इस पवन कुमार को वे मन से तनिक भी नहीं विसारते। वानर राज सुग्रीव आदि वीर जो सारी पृथ्वी को ग्रस लेने की शक्ति रखते हैं, राजा शत्रुघ्न का रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हैं। कुशल ध्वज, नीलरत्न, महान अस्त्रवेत्ता रिपुताप, प्रताप प्राज्ञ, सुबाहु, विमल, सुमद और श्री राम भक्त सत्यवादी राजा वीरमणि, ये तथा अन्य भूपाल श्री शत्रुघ्न की सेवा में रहते हैं। इन वीरों के समुद्र में एक मच्छर के समान तुम्हारी क्या हस्ती है? इन बातों को भली भांति समझ कर चलो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं, उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके तुम कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास जाना, वही उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हो। शेष जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत से राजा ने कहा, यदि मैं
मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री राम का ही भजन करता हूँ तो मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध ले और छोड़ने को या घोड़े को छीन ले जाए। दूत तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हों, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। वहाँ पहुँचकर राजा सूरत की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कह सुनाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।